दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा देसाई एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो हमने चैप्टर 9 अपना कंप्लीट डिस्कशन कर लिया, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लिए। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर डिस्कशन करेंगे, ट्रेकर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ओके, चलिए, अच्छा चैप्टर है ये और मज़ा आएगी पढ़ने में। तो हमारा फर्स्ट पैरा क्या कह रहा है, हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेक एंड ट्रेगर। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो अगेन, इस चैप्टर में हम पोस्ट मॉडर्न एरा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पोस्ट मॉडर्न एरा के बाद पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ था कि जब बताया मैंने अशोका कलिंग वाला जो भी सीन हुआ, तो उसके बाद अशोका ने लड़ाई वगैरह छोड़ दी थी, ठीक है ना, बैटल्स वगैरह उसने नहीं लड़ी। फिर क्या हुआ, जो मौर्य डायनेस्टी थी वो धीरे 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 क्या डिक्लाइन होता गया, उसका धीरे धीरे उसका डिक्लाइन होता गया। फिर उसका जो अंतिम राजा था, वो सारी स्टोरी मैंने बताई थी। तो इस तरह से मॉरन्स के बाद हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे इन्वेडर्स आए, ठीक है, बहुत सारे आक्रमणकारी आए। अब हम बात करें अगर कि हम देखो इंडिया है, तो जस्ट अ मिनट, हाँ थोड़ा सा क्लीन करते हैं, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एंड साउथ, इस तरह हमने डिवाइड कर लिया। अब देखो हर जगह से इन्वेडर्स आए, नॉर्थ वेस्ट से भी बहुत सारे इन्वेडर्स आए। वो कौन कौन से इन्वेडर्स थे, वो थे देखो, इंडो ग्रीक आए सबसे पहले, ठीक है ना, इंडो ग्रीक्स आते हैं सबसे पहले, उसके बाद शक आते हैं, फिर ऐसे ही आते हैं, फिर एक इम्पॉर्टेंट जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है कुशान, ठीक है ना। तो ये सारे इन्वेडर्स कहाँ से आए, नॉर्थ वेस्ट से आए। अब जैसे कि मैंने बताया कि वो पुष्यमित्र शुंग ने जो है कि सब जो है कि मौर्य के लास्ट जो किंग हुआ करते थे बृहद्रथ की हत्या वत्या कर दी, और जो है कि फिर सेंट्रल इंडिया में, कहाँ पे, उसने अपना ये पाटलिपुत्र एरिया के पास सेंट्रल इंडिया में अपना शुरू किया। तो सेंट्रल इंडिया में पोस्ट मॉर्न के बाद किसका शुरू हुआ, एक तो शुंग का शुरू हुआ, और दूसरा कौन सा था, दूसरा एक कड़वा डायनेस्टी थी, ठीक है। अब हम डेक्कन की बात करें, डेक्कन एरिया की बात करें, तो यहाँ पे कौन आए थे, यहाँ पे आए थे सातवाहन, कि ये भी हमको इसमें पढ़ना है, सातवाहन के बारे में भी इस चैप्टर में है। सातवाहन, लिटरली सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, लेकिन मेरी इससे बनती नहीं है बिल्कुल भी। चलो, सातवाहन, ठीक है, डेक्कन के पास। अगर हम एकदम सदर्न की बात करें, सदर्न की बात में हमने लास्ट के चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हमने, कोई लिटरेचर पढ़ा था, संगम लिटरेचर। तो उसी संगम लिटरेचर से ही हमको पता चलता है, तीन फैमिलीज थी, तीन रूलिंग फैमिलीज थी जिनके बारे में हमको पढ़ना है, चोला एंड चेरा एंड पांग्या। हाँ पता ही होगा पांग्या, आईपीएल क्रिकेट सब जो देखते होंगे, वैसे इधर में आईपीएल चल भी रहा है ना। तो हमारे साउथ में तीन फैमिलीज आई, चोला चेरा पांग्या, जिन्होंने जो है कि रूल किया। सेंट्रल इंडिया में कौन था, शुंग और कड़वा, और ये डेक्कन की तरफ कौन था, सातवाहन थे। और हमारे नॉर्थ वेस्ट से कौन आए, इंडो ग्रीक्स आए, और शक आए, और कौन आया, कुषाण आए। एक कोई और है अभी, वो मुझे जो थर्ड नंबर पे आए थे, मुझे एकदम ध्यान नहीं आ रहा वो क्या नाम था, ठीक है ना। तो अभी भी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न एरा के बारे में। तो इन्वेडर्स मैंने इसलिए बताया क्योंकि उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, आप कह रहे हैं कि कैसे पता चलेगा ट्रेड वगैरह हुए। देखो ट्रेडिंग वगैरह, व्यापार वगैरह उस समय हो रहे थे, कैसे पता चलता है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था NBPW, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में, ठीक है ना। तो अब ये क्या था, ये बहुत ही फाइन, बहुत ही अच्छा पॉट्रे था, स्पेशली इसमें बोल्स वगैरह, प्लेक्स वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था। तो क्या होता है ना कि जो नदर्न ब्लैक पॉलिश वेयर है, इसका नाम क्यों नदर्न ब्लैक पॉलिश वेयर है, क्योंकि भाई ये नदर्न जो है कि रीजन में ही बनाया गया होगा। लेकिन बात ये है कि ये सारे जो पॉट्रे थे, ये सारी जो भी चीज़ें थी, ये हमें सेवरल आर्कियोलॉजिस्ट को कहाँ से मिलती हैं, सब पूरे सब कॉन्टिनेंट से मिलती हैं। अब देखो नदर्न एरिया से बनाया, नदर्न एरिया में बनाया जा रहा है, अब ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में मिल रही हैं, तो इसका क्या मतलब है। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ बनाया, यहाँ से फेंका, यहाँ पहुँच गई, यहाँ से फेंका, यहाँ पहुँच गई, यहाँ से फेंका, यहाँ पहुँच गई, नहीं। ऑब्वियस ही बात है, ये किस वजह से पहुँची, ये ट्रेडिंग की वजह से पहुँची। किस वजह से पहुँची, ट्रेडिंग की वजह से पहुँची। तो हमको पता चलता है कि भाई ट्रेडिंग हो रही थी, ट्रेडर्स हुआ करते थे, समझ आए। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, साउथ इंडिया किस लिए फेमस था, हमको पता है, गोल्ड, आज भी गोल्ड के लिए फेमस है, कर्नाटका में मिलता है, ठीक है ना, और स्पाइसेस मसालों के लिए बहुत फेमस है। और कौन से मसाले स्पेशली, वो पेपर के लिए फेमस है, स्पेशली किस लिए, काली मिर्च के लिए फेमस है, और प्रीशियस स्टोन्स के लिए फेमस है।
तो अब ये सारी चीज़ों के लिए फेमस है। अब जो चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, ज़्यादा वहाँ पे क्वांटिटी में मिलती हैं, उन्हीं चीज़ों की तो ट्रेडिंग होती है। तो अब इसी वजह से साउथ इंडिया में पेपर बहुत अच्छी मिल रही थी। तो पेपर का जो है कि व्यापार किसके साथ होता था, रोमन एम्पायर के साथ होता था, और इतना ज़्यादा होता था, मतलब रोमन वाले जो है ना, रोम इटली, अब हमारा इंडिया तो कम से कम यहाँ सब कॉन्टिनेंट, फिर रोम कहाँ दूर इतना, तो वहाँ से आते थे हमारे इंडिया में, और जो है कि वो इसका जो है कि व्यापार होता था। और पेपर इतना ज़्यादा, वो पेपर ले जाते थे और उसके बदले में हमको क्या देते थे, गोल्ड देते थे। इसी वजह से सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड। पेपर को क्या बोल देते थे, ब्लैक गोल्ड बोलते थे, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू थी पेपर की। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन रोमन एम्पायर, बहुत वैल्यू थी, सो मच, इतनी वैल्यू थी कि इसको ब्लैक गोल्ड बोलते थे। सो ट्रेडर्स कैरिंग मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोमन इन शिप्स, और ये कैसे ले जाते थे, शिप्स वगैरह में ले जाते थे, और कभी कभी ज़मीन लैंड के माध्यम से भी कह सकते हैं कि मतलब कि शिप से भी ले जा रहे हैं, और कभी कभी ये सड़क वाले से भी ले जाते थे, लैंड ट्रांसपोर्ट से भी ले जाते थे, ठीक है, उनका जो भी ट्रांसपोर्ट होता था, कारवाज वगैरह जो भी होते थे, ठीक है ना। देर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मैनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि जैसे मैंने बताया कि काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड बोल रहे हैं, काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा वैल्यू थी रोमन में, क्या थी, बहुत ज़्यादा वैल्यू थी रोमन में। और अब वो हमसे ब्लैक पेपर लेकर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमको कुछ देंगे ना, हम फ्री में तो नहीं दे रहे ना। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि आप कुछ दे रहे हो, हम कुछ दे रहे हैं, ट्रेडिंग मतलब ये होता है ना। तो वो ब्लैक पेपर लेकर गए और हमको क्या दिया, उन्होंने गोल्ड दिया, मतलब कह रहे हैं साउथ इंडिया से हमको इतने ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, इतने ज़्यादा रोमन रोमन गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, इतने ज़्यादा रोमन गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं कि हमको पता चलता है ये जो ट्रेडिंग थी ना, बहुत ज़्यादा हाई थी, बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रही थी। समझ आई बात, चलो इतनी कहानी करने का कुछ परिणाम होना चाहिए, चीज़ें मुझे भी समझ में आनी चाहिए, चीज़ें आपको भी समझ आनी चाहिए। देखिए अब पोएम अबाउट ट्रेड, अब ट्रेड के बारे में पोएम भी है। अब ये पोएम कहाँ से मिली, संगम पोएम से मिली, संगम लिटरेचर से मिली। हमने बताया था कि संगम लिटरेचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में हमें नॉलेज देने में, तो वही संगम लिटरेचर से हमको पोएम मिलती है, जिससे पता चलता है कि भाई कहाँ से क्या चीज़ें जा रही थी, कहाँ से क्या चीज़ें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी, मतलब व्यापार बहुत अच्छे लेवल पे था। समझ आई, तो कुल मिला के ये, अब हम पोएम्स नहीं पूछेंगे एग्जाम में, बस हमें उसका सार समझना है कि भाई ये संगम लिटरेचर है जो कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में बता रहा है, और संगम लिटरेचर केवल राजाओं के बारे में नहीं बता रहा, वो ये भी बता रहा है कि वहाँ का व्यापार कैसा था, वहाँ की ट्रेडिंग व्यवस्था कैसी थी, जो सब कुछ संगम लिटरेचर ने बताया हमको। समझ आई, चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ट्रेडर्स एक्सप्लोर सेवरल सी रूट्स, अब अगर ट्रेडर्स आ रहे हैं तो बहुत सारे सी रूट्स के माध्यम से ही तो आएंगे ना। अब बहुत सारे, सम ऑफ दीज फॉलोड कोस्ट, देयर वर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून विंग्स टू क्रॉस द सीज मोर क्विकली। देखो मोस्टली क्या होता था, मेन जो कि ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम होता था कह सकते हैं, वो समुद्र के द्वारा ही होता था। अब जब समुद्र में आ रहे हैं तब इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब उतने उनके मीटर्स वगैरह उनकी शिप्स में बोट्स में नहीं लगे होते थे, है ना। तो वो किस चीज़ का सहारा लेते थे आगे बढ़ने के लिए, आने के लिए, मॉनसून विंग्स का सहारा लेते थे, क्योंकि मॉनसून विंग्स के थ्रू वो आगे बढ़ते थे। सो इफ़ दे वॉन्टेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून एंड स्टर्डी शिप्स हैड टू बी बिल्ट फॉर दीज लॉन्ग जर्नीज। मतलब कुल मिला के यही बता रहे हैं कि जो ट्रेडर्स, उन्होंने बहुत सारे रास्ते खोजे, किस लिए खोजे, ट्रेडिंग के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए। अब मेन जो मतलब कि एक कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ और आज भी जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है, वो सी रूट ही है। अब वहाँ पे इतनी एडवांस्ड शिप्स नहीं थी, तो दैट्स व्हाई उन्होंने मानसून विंग्स का सहारा लिया जो है कि अपने अपनी जर्नी के लिए। समझ आई, चलो आगे देखते हैं। न्यू किंगडम्स अलॉन्ग द कोस्ट, कोस्ट के किनारे, तटों के किनारे कौन कौन सी न्यू किंगडम्स उभर कर आती हैं, उनके बारे में पढ़ना। द सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाई अल, मतलब देखो कुल मिला के यहाँ पे सदर्न एरिया की बात हो रही है, तो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिवर है कावेरी, जो कि बहुत ही फर्टाइल रिवर है। तो क्या होता था कि जो भी चीफ, जो भी किंग, मतलब कोई चीफ कह सकते हैं किसी प्रमुख को, कोई भी प्रमुख है या फिर कोई भी राजा है,
जो इन नदियों को, इन नदी घाटियों को जो कंट्रोल कर रहा है, वो रिच हो जाता था, वो पावरफुल हो जाता था। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये जो नदियाँ हैं ये फर्टाइल हैं अपने आप में, तो उनका जो रीज़न होगा बहुत अच्छा प्रोडक्शन वगैरह होगा, और इनके कोस्ट पे जो है कि ट्रेडिंग वगैरह होती थी, तो इस वजह से जो इनका मेन कह सकते हैं जो राजा होता था, जो इनको कंट्रोल कर रहा है, या जो चीफ होता था, वो क्या होता था, बहुत रिच एंड पावरफुल हो जाता था। अब संगम लिटरेचर से ही हमको एक एक शब्द मिला है जिसका नाम है मुविंगर। मुविंगर इज़ अ तमिल वर्ड जिसको हिंदी में कहते हैं थ्री चीफ्स। क्या बोलते हैं? थ्री चीफ्स। मतलब कि ये शब्द किस लिए यूज़ किया गया? ये शब्द यूज़ किया गया, दिस वर्ड इज़ यूज फॉर द हेड्स ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज। तीन रूलिंग फैमिलीज के हेड के लिए, जो तीन रूलिंग फैमिलीज थी उनका जो हेड होता था, जो प्रमुख होता था, उसके लिए ये शब्द यूज़ किया गया। और मैंने सदर्न में बताया था तीन रूलिंग फैमिलीज के बारे में, चोलास, चेराज एंड पांड्याज, ठीक है ना, इन्हीं के हेड के लिए यूज़ किया गया। एंड हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स अगो। जैसे कि पोस्ट मॉडर्न एरा में हर जगह नॉर्थ वेस्ट में कोई और आया, और डक्कन में कोई और कर रहा है, सेंट्रल में कोई और कर रहा है, तो उसी तरह सदर्न में कौन रूल कर रहा था? ये तीन फैमिलीज रूल कर रही थी, चोलास, चेराज एंड पांड्याज, ठीक है ना। अब इन ये जो ईच ऑफ थ्री चीफ्स हैव टू सेंटर्स ऑफ पावर। मान लो जैसे चोला है, तो चोला का कोई जो प्रमुख होगा उसका दो पावर होगा, मतलब दो सेंटर होंगे पावरफुल, जैसे कि सिटीज़ होती हैं, कैपिटल बना देते हैं ना कि ये हमारा इम्पोर्टेंट शहर है, तो वैसे ही इनमें क्या होता था कि दो ऐसे शहर या दो ऐसी जगह बनाते थे जो पावरफुल होती थी। एक कहाँ होती थी? इनलैंड होती थी, और एक ऑन द कोस्ट होती थी, ठीक है। अब देखो तीन लोग हैं, तीन रूलिंग फैमिलीज हैं, सबकी दो 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 दो, तो टोटल कितने शहर हो गए? छः शहर हो गए, समझ आई? तो अब यही आगे बात हो रही है कि इन छः शहरों में जो सबसे ज़्यादा दो इम्पोर्टेंट थे, वो कौन थे? फुहार, या फिर उसे कावेरी पट्टनम भी कहते हैं। कावेरी पट्टनम क्यों? कावेरी इज़ द रिवर, उसके ऊपर पट्टनम मतलब क्या? पट्टनम मतलब पोर्ट, तो कावेरी पे बना हुआ है पोर्ट है, दैट्स व्हाई कॉल्ड कावेरी पट्टनम। तो पहला क्या था? फुहार, जो कि पोर्ट हुआ करता था, किसका? चोलास का। और दूसरा क्या है? मदुरई। मदुरई का एक हमने और भी सिग्निफिकेंस जो भी चीज़ पढ़ी थी प्रीवियस चैप्टर में, कि मदुरई इज़ द प्लेस जहाँ पे तीन असेंबलीज हुई थी। किनकी असेंबलीज हुई थी? संगम लिटरेचर जहाँ पे कंपोज हुआ था, ठीक है। तो मदुरई जो है कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है पहले भी, तो मदुरई के बारे में, मदुरई के बारे में क्या है कि मदुरई क्या थी? पांड्यास की कैपिटल थी। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ के बारे में पढ़ा, फुहार, फुहार क्या था? कावेरी पट्टनम इज़ अ पोर्ट जो कि चोलास का पोर्ट हुआ करता था, और मदुरई जो कि क्या है? मदुरई जो पांड्यास की कैपिटल हुआ करती थी, समझ आई बात? चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है? द चीफ्स डिड नॉट, अब यहाँ पे ही बता रहे हैं कि जो राजा वाजा होते थे वो रेगुलर टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे जो ये जो चोला, चेरा और पांड्या के जो प्रमुख चीफ्स होते थे वो रेगुलर टैक्स नहीं पे कर कलेक्ट सॉरी पे वो थोड़ा ना करेंगे कलेक्ट नहीं करते थे। इवन वो दे डिमांडेड गिफ्ट्स एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। अब हमने इसके पहले चैप्टर में एक वर्ड पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, वो शब्द क्या है? ट्रिब्यूट। क्या शब्द है वो? ट्रिब्यूट। तो ट्रिब्यूट मतलब क्या था? जैसे टैक्स होते थे जो रेगुलर बेसिस पे पब्लिक से कलेक्ट किए जाते थे, उसी की जगह ट्रिब्यूट होते थे, जो पब्लिक अपनी स्वेच्छा से कह सकते हैं, इच्छा या अनिच्छा जो भी कह लो, कभी कभी जो उसके पास अवेलेबल होती थी चीज़ें, वैल्यूएबल गुड्स वगैरह, इसको राजा को देती थी। तो यहाँ पे क्या था कि वो मतलब कि वो परमानेंट जो है कि टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसके बदले में क्या उनको मतलब कि ये गिफ्ट वगैरह, एक ट्रिब्यूट वगैरह मिल जाता है। इसके अलावा वो मिलिट्री एक्सपेक्टेशंस में भी जाते हैं, और वहाँ से जो भी ट्रिब्यूट कलेक्ट करते हैं अपने नेबरिंग एरिया से, वो थोड़ा तो अपने पास रखते हैं, और जो बचा होता है वो अपने सपोर्टर्स को गिफ्ट करते हैं, अपनी रॉयल फैमिली के मेम्बर्स को गिफ्ट करते हैं, अपने सैनिकों को और अपने पोएट्स को भी गिफ्ट करते हैं, समझ आई? तो अब उनके पोएट्स को भी यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंस मिल रही थी। इसके अलावा बहुत से ऐसे पोएट्स थे जिन्होंने मैनी पोएट्स हुज कंपोजिशंस आर फाउंड इन द संगम कलेक्शन कंपोज पोएम इन प्रेज ऑफ चीफ्स हु ऑफन रिवॉर्डिंग विद देम प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, हॉर्सेज, एलिफेंट, चैरियट्स एंड द क्लोथ। मतलब संगम लिटरेचर में ये बताया है कि जो ऐसे पोएट्स थे जो जिन्होंने इन चीफ्स, इन प्रमुखों की तारीफ की, होते थे ना, क्या बोलते हैं उनको, आश्रयदा, आश्रयदयी कवि,
कुछ एक शब्द बोलते हैं ऐसे, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, आश्रय कवि बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि मतलब जो उनके दरबारी कवि होते थे बेसिकली, तो वो क्या करते थे, राजा की प्रशंसा में ही लिखते थे। तो उसके बदले उन पोएट्स को बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, जैसे नीचे बताया गया प्रीशियस स्टोन, गोल्ड्स, हॉर्सेज, एलिफेंट्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अराउंड 200 ईयर्स लेकर गाइनस की नोन एज सातवान, जो भी मैंने बताया था कि भाई जो डक्कन के पास जो है कि डक्कन एरिया के पास सब कॉन्टिनेंट के जो रूलिंग जो गाइनस की आई वो कौन सी थी भाई, फिर गाइनस की सातवान। अब ये सातवान जो है कि वेस्टर्न इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट गाइनस की हो गई। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर इसका कौन था, आप ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो था सात गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी। गौतमी पुत्र मीन्स गौतमी का पुत्र, गौतमी उसकी माता का नाम है, गौतमी उसकी माता का नाम है, गौतमी पुत्र, गौतमी का पुत्र श्री शतकर्णी। और ये हमें इस राजा के बारे में, इस शतकर्णी के बारे में कहाँ से पता चला, एक इंस्क्रिप्शन से पता चला जो कि उसकी मदर ने ही बनवाया था, समझ आई। उसकी मदर का पूरा नाम क्या था, गौतमी बालाश्री। और हमें ये पता चलता है इस इंस्क्रिप्शन से कि ये जो सातवाहन रूलर्स थे उनको क्या बोलते थे, एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथ, मतलब कि दक्षिणापथ, दक्षिण मतलब क्या साउथ, दक्षिण पथ मतलब क्या रास्ता, वे मतलब कि साउथ को जाने वाले रास्ते का राजा बोला जाता था। दक्षिणापथ मतलब रास्ता जो साउथ को जाता है, दक्षिण को जाता है। तो ये जो सातवाहन रूलर्स होते थे उनको बोलते थे दक्षिणापथ का भगवान, लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ, साउथ की तरफ जाने वाले रास्ते का भगवान बोलते थे, ठीक है ना। अब इसके अलावा विच वॉज, और ये सदर्न रीजन में ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरे सदर्न रीजन के लिए यूज़ हुआ। और अब हमें ये भी पता चलता है कि उसने जो अपनी, जस्ट मैंने, कि उसने जो अपनी आर्मी है वो कहाँ कहाँ भेजी, ईस्टर्न, ईस्ट में भी भाई भेज दी, इधर वेस्ट में भी भेज दी, इधर सदर्न कोस्ट में भी भेज दी, मतलब हर जगह सब कॉन्टिनेंट के वो अपनी आर्मीज भेज रहे हैं, ठीक है ना। क्यों भेज रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है उसको जीतने के लिए भेज रहे हैं। अब यहाँ से नया कुछ शुरू होता है, स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। सिल्क क्या है, सिल्क एक कपड़ा होता है जो बहुत ही, जैसा कि इसमें बताया गया, रिच होता है, ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क और स्मूथ टेक्सचर होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, बहुत ज़्यादा पतला और सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। तो अपनी इन क्वालिटीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया था सोसाइटी में उस समय की बात हो रही है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात हो रही है, अभी भी इम्पॉर्टेंट है। सिल्क की साड़ियाँ वगैरह चलती हैं एंड लिटरली बहुत अच्छी होती हैं। तो उस समय भी जो है कि अपनी इन सारी सिल्क, अपनी इन सारी क्वालिटीज़ की वजह से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था। लेकिन क्या था ना कि जो सिल्क को बनाने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, पता है सिल्क के वॉर्म्स होते हैं और फिर जो भी चीज़ें होती हैं। अब आपसे हिस्ट्री में नहीं पूछेगा कि सिल्क कैसे बनता है, बस इतना जानो कि जो सिल्क बनाने की जो टेक्निक थी वो क्या थी ना, अब यहाँ से आपको थोड़ी सी हंसी आएगी कि टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स अगो। 7000 ईयर्स अगो सबसे पहले किसने इन्वेंट की थी सिल्क बनाने की टेक्निक, चाइना ने की थी। और चाइना ने क्या किया, ये जो बनाने का जो मेथड है ना उसको सीक्रेट रखा, बहुत सालों तक ये मेथड सीक्रेट रहा, किसी को पता ही नहीं था। अब होता क्या था, अब चाइना बना रहा है, ठीक है ना, अब जो है कि अब उसको फ़ायदा भी तो चाहिए, सिर्फ बना करके अपने ही देश में प्रयोग कर ले तो इतना फ़ायदा तो मिलेगा नहीं। तो देखो चाइना हु वेंट टू, वो दूर दूर तक गया, दूर दूर तक गया, किस माध्यम से गया, लैंड के माध्यम से गया, और हॉर्स वगैरह कैमल्स वगैरह पे लेकर के गया, क्या लेकर गया, सिल्क लेकर के गया, ठीक है, किस लिए लेकर के गया, ट्रेडिंग के लिए लेकर गया, अपने चाइना से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। और इसी रास्ते को क्या बोला जाता है, सिल्क रूट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सिल्क रूट बोला जाता है। अब खुद ही बना के खुद ही कंज्यूम कर लेंगे अपने ही देश में तो इतना फ़ायदा नहीं है, जब तक उस चीज़ को आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो लेकिन उसने ट्रांसपोर्ट चीज़ें की एकदम सीक्रेटली ये सारी चीज़ें की, और जो है कि उस वो रूट बहुत ही स्पेशल रूट हुआ करता था, और चाइना ने ये जो अपनी सिल्क वाली टेक्निक है काफ़ी हद तक वो सीक्रेटली रखी। चाइना स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा समझदार था, कैन से चालाक था ना, समझदार है ना। और चलो नो किपड़ी आगे पढ़ते हैं। समटाइम्स चाइनीज रूलर्स गिफ्ट देते थे, किसको देते थे, सेंग गिफ्ट्स टू रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया, इनके रूलर्स को अपना सिल्क गिफ्ट करते थे, एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट। अब देखो कोई भी चीज़ है, अब मान लो इनके रूलर्स को मिला, अब इनके रूलर्स ने भी तो बात फैलाई होगी कि हाँ हमें तो इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिली, ये मिली वो मिली, तो इस वजह से उसकी नॉलेज आगे बढ़ती गई, ठीक है। सीक्रेट सीक्रेट कब तक रहता है, जब एक को पता है, जैसे ही दूसरे को पता है वो ट्रैवल करने लगता है, कम्युनिकेशन ही ऐसी चीज़ है, ठीक है ना। अबाउट 2000 ईयर्स को क्या हुआ, वेयरिंग सिल्क
2000 साल पहले क्या हुआ, रोम में जो है कि सिल्क पहनना एक बड़ा ही स्टेटस माना जाने लगा कि जो रिच पीपल हैं, जो रूलर्स हैं, वो सिल्क पहनते हैं। तो मतलब बेसिकली रोम में जो है कि जैसे अभी मैंने बताया था उनके लिए ब्लैक पेपर, काली मिर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई थी ना, सेम वे यहाँ पे उनके लिए सिल्क बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, एक स्टेटस हो गया समाज में, ठीक है ना। जैसे कि रिबुक का पहन लो और भी जो भी कंपनी चलती हैं उनका पहन लो, तो फिर क्या है, एक स्टेटस लगता है, ठीक है ना। सो कॉल्ड ये बकवास चीज़ें, ऐसा कुछ होता नहीं है, इंसान होना चाहिए अच्छा, ठीक है ना, इंसान का स्टेटस और क्वालिटी होनी चाहिए, बाकी तो मैटर नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव था, अब एक्सपेंसिव नहीं हुआ। चाइना इतनी सारे जो है कि चीज़ें लेकर के आ रहा है घोड़े पे और जिन भी चीज़ों पे लेकर के आ रहा है, वो रास्ते से आना क्या ये डेंजरस नहीं था? रास्ते में क्या उसको लुटेरे नहीं मिलते होंगे, या फिर रास्ते में जो लोग मिलते होंगे वो पैसे की डिमांड नहीं करते होंगे, भाई तुम हमारे यहाँ से अपना काफिला गुजार रहे हो, हम क्यों तुम्हें जाने दें, हमें भी तो कुछ भाई दो। तो ये सारी चीज़ें फेस करके वो इतना इतने सोचो कितने मतलब कि एडवेंचरस और कितने साहसी लोग होते थे जो ये पूरा इतना लंबा रूट ट्रैवल करते थे। तो इस वजह से जो सिल्क की कीमत थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है ना, इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव। इसके अलावा बात क्या हो रही, पीपल लिविंग अलॉन्ग रूट ऑफ एन डिमांड, वही मैंने बताया, वही सारी चीज़ें। अब देखो क्या है, क्या एक मैप है जो कि पेज नंबर आप देख रहे होंगे, पेज नंबर 84 and 85 पे, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं, उसमें सिल्क रूट पूरा दिखाया गया है। इसके अलावा क्या है, कुछ राजाओं ने इन लार्ज पोर्शन रूट के बहुत ही इन जो ये सिल्क रूट था ना, इस पे इन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की, क्योंकि भाई कि भाई अगर मेरा इस पोर्शन पे कब्ज़ा हो जाएगा, अब ये लोग यहाँ से गुजरेंगे तो हम कहेंगे लाओ भैया दो कुछ, हमको दो, हमारे यहाँ से गुजार रहे हो अपना काफिला, तो हमें भी तो कुछ ट्रिब्यूट, कुछ वैल्यूएबल चीज़ें मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अब इस वजह से उन्होंने किया। अब इन रिटर्न राजा क्या करते थे, इन रिटर्न वो इन ट्रेडर्स को जो है कि रॉबर्स वगैरह के अटैक से बचाते थे, ठीक है ना। हर चीज़ देखो, हर जगह लेन देन चलता है, एक तरफा नई चीज़ चलती है, ठीक है ना। तो दुनिया में हर चीज़ क्या है, व्यापार है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल्ड द सिल्क, अब किसने एक्चुअली कंट्रोल किया, बहुत लोग ने कंट्रोल किया, लेकिन जो बेस्ट नोन रूलर था जिसको हम जानते हैं कि भाई इन्होंने कंट्रोल एक्चुअल में किया, वो थे कुशांस, जो मैंने बताया था नॉर्थ वेस्ट से जिन्होंने इन्वेगर किया था, इन्वेगर्स थे जो नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है। तो कुशाण ने क्या किया, हु रोल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट किंगडम अराउंड 2000 years ago, नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया को उन्होंने काफ़ी समय तक रूल किया, और उनकी दो मेजर सेंटर्स ऑफ पावर थे जो कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया ही दिया था आपको, पेशावर एंड मथुरा। इन्होंने मथुरा को अपनी सेकेंड कैपिटल बताया था, हमने पढ़ा था, और पेशावर इनकी फर्स्ट कैपिटल थी। तो दो मेन इंपॉर्टेंट पावर्स थे इनकी, पेशावर एंड मथुरा, ठीक है ना। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम ड्यूरिंग देयर रूल, क्या हुआ, अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट इनके टाइम पे इन्होंने क्या किया, एक रूट, एक सिल्क रूट की ब्रांच को एक्सटेंड कर दिया सेंट्रल एशिया से टू द सी पोर्ट, सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स ऑफ द माउथ ऑफ रिवर इंडस, रिवर इंडस के माउथ से, और ये सेंट्रल एशिया ये पूरा एक इन्होंने सिल्क रूट कर दिया, ठीक है ना। और क्यों, और ये जो रोमन एम्पायर को जाता था ना, ये वहीं से उन्होंने कनेक्ट कर दिया। तो कुशांस वर अमंग्स द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, मतलब कि स्टार्टिंग में जितने भी लोगों ने गोल्ड कॉइन्स इशू किए उनमें से कुशाण का भी एक नाम आता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुशाण ने क्या गोल्ड कॉइन्स इशूज किए थे, या फिर पूछ लेगा किन किन नीचे दिए गए रूलर्स में से किसने किसने गोल्ड कॉइन्स इशू किए या फिर किसने नहीं किए। तो हमें पता होना चाहिए कि कुशाणों ने भी गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, और उस समय तो बहुत सारे रोमन एम्पायर से गोल्ड कॉइन्स ऑलरेडी इतने ज़्यादा आ ही रहे थे। क्यों आ रहे थे, ब्लैक पेपर के एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा व्यापार हो रहा था, बहुत बड़े लेवल पे व्यापार हो रहा था। आगे पढ़ते हैं, हम आगे देखेंगे द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म अब कैसे फैला। अब जो मैंने बताया ना, जो कुशाण थे और उनका जो रूलर था उनका एक जो मेन इंपॉर्टेंट रूलर था कनिष्क, कनिष्क के बौद्ध का बहुत ही ज़्यादा बड़ा फॉलोअर हुआ करता था, ठीक है ना। तो उसने एक बुद्धिस्ट काउंसिल बनाई जहाँ पे स्कॉलर्स वगैरह मिलते थे, डिस्कस करते थे। अब जो अश्वघोषा था, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, अश्वघोष के बारे में क्या है, वो पोएट था, ठीक है, और उसने जो है कि बुद्ध की जो है कि स्टोरी लिखी, बुद्ध की आत्मकथा लिखी, ना आत्मकथा, बुद्ध की कथा लिखी, जीवन कथा लिखी। आत्मकथा मीन्स होता है ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने जीवन कथा लिखी जिसे क्या बोलते हैं, बुद्ध चरित। क्वेश्चन में भी आस्क, बुद्ध चरित किसने लिखी, अश्वघोष ने लिखी, ठीक है ना। और इसके बाद क्या देख रहे हैं, अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे जो कि अब संस्कृत में लिखने लगे। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आ रही है कि भाई कुशाण के समय
कुषाणों के समय, जब कनिष्क राजा था, कनिष्क वॉज अ फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज्म, तो उसके समय जो पोएट्स हुआ करते थे, जो स्कॉलर्स हुआ करते थे, वो किस लैंग्वेज में बुद्धिज्म के बारे में लिख रहे हैं? तो वो संस्कृत लैंग्वेज में बुद्धिज्म के बारे में लिख रहे हैं। अभी कि यहाँ से नया अध्याय थोड़ा सा बुद्धिज्म का शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है? एक बुद्धिज्म की न्यू फॉर्म शुरू हो गई, बुद्धिज्म की न्यू फॉर्म शुरू हो गई जिसको महायान कहा गया। देखो बुद्धिज्म जो है कि दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक हुआ था हमारा हीनयान में, वन वॉज हीनयान और वन वॉज महायान, ठीक है ना? ठीक है, हीनयान को आगे, हीनयान को कुछ और भी कहते हैं, इस चैप्टर में आगे मेंशन है, तो इसमें हीनयान के बारे में मेंशन नहीं है। हीनयान मैंने शब्द आपको बता दिया कि बुद्धिज्म आगे जाके दो कह सकते हैं दो शाखाओं में डिवाइड हो गया, जिसको हीनयान कहते हैं और महायान कहते हैं। पहले हम यहाँ महायान के बारे में पढ़ेंगे। देखो अर्लियर द बुद्ध, सबसे पहले क्या होता था, बुद्धा की जो प्रेजेंस थी, लाइक बुद्धा की प्रेजेंस को कैसे शो करते थे, कुछ सर्टेन साइंस के द्वारा शो करते थे, मतलब कुछ चिन्हों प्रतीकों के द्वारा, जैसे कि उन्होंने उनका उनको इनलाइटमेंट मिला, तो ये किस चीज़ से शो किया जाता था, पीपल ट्री के स्कल्पचर से शो किया जाता था, ठीक है? यानी कि बेसिकली स्टार्टिंग में बुद्धा की कोई प्रतिमा वगैरह आइकल वगैरह नहीं बन रही थी, कुछ प्रतीकों के माध्यम से ही बुद्धा को प्रेजेंट किया जा रहा था। लेकिन अब बुद्धा का क्या होने लगा, बुद्धा के स्टैचूज बनने शुरू हो गए। ये किसकी बात हो रही है, ये कौन सी चीज़ों की बात हो रही है, महायान की बात हो रही है। महायान में सारी चीज़ें हैं कि भाई बुद्धा के स्टैचू बनने लगे, बुद्धा को अब एक भगवान की तरफ पूजा जाने लगा। मैनी ऑफ दीज वर मेगन, कहाँ मिले, मथुरा। प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा था मथुरा वॉज एन इम्पॉर्टेंट सिक्के, क्यों सिक्के थी भाई, ये कनिष्क की दूसरी राजधानी थी। दूसरा यहाँ पे जो है कि बुद्धिज्म मोनेस्ट्रीज जैन श्राइन्स हुआ करते थे। तीसरा यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स वगैरह थे, और फिर चौथा कृष्ण की वजह से, ठीक है ना? तो मथुरा में ही बहुत सारे बुद्ध की प्रतिमाएँ बनने लगी, और कुछ कहाँ बनने लगी, तक्षशिला में बनने लगी। अब ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए, ठीक है ना? द सेकेंड चेंज वॉज अ बिलीफ इन बोधिसत्व, दीज वर सपोज टू बी, अब क्या दूसरी चीज़ जो चेंजेस क्या हुए बोधिसत्व में, बोधिसत्व क्या होते थे कि जिनको इनलाइटमेंट मिल गया है, अब इनको अकेले जंगलों में रहना है और जो है कि वहीं पे अपना जो है कि प्रैक्टिस वगैरह मेडिटेशन वगैरह का करना है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अकेले रहना नहीं प्रेफर किया, इसकी वजह इन्होंने क्या किया, ये दुनिया में ही लोगों के बीच में ही रहे और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की, लोगों को हेल्प करने की कोशिश की, लोगों को टीचिंग्स देने की कोशिश की, ठीक है ना? तो बोधिसत्व का बेसिकली क्या काम होता था, बोधिसत्व कौन कहलाते थे, जिनको इनलाइटमेंट, जो वन हो दोज अटेंड इनलाइटमेंट, जिनको इनलाइटमेंट मिल गया है, प्राप्त हो गया है, अब उनको मेडिटेशन में रहना है, मेडिटेशन करना है, आइसोलेशन हो जाना चाहिए इनका, ठीक है? लाइक कोरोना वायरस आइसोलेशन, सॉरी बुरा था, चलो आगे देखते हैं। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व बिकम वेरी पॉपुलर, और जो है कि ये जो वर्शिप थी बोधिसत्व की और इनके जो तौर तरीके थे बहुत पॉपुलर हुए, और सेंट्रल एशिया में फैले, चाइना में फैले, और कोरिया एंड जापान में भी फैले। मतलब ये जो महायान वाले हैं, महायान वाले कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, हमारे सेंट्रल एशिया में फैले हैं, चाइना में फैले हैं, जापान एंड कोरिया में फैले हैं। कौन है ये महायान वाले हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, बुद्ध की प्रतिमा वगैरह बना रहे हैं। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में भी स्प्रेड हुआ, और वे डजन्स ऑफ केव्स, बहुत सारे केव्स वगैरह हमको मिलते हैं हिल्स वगैरह से, जहाँ पे मॉन्क्स वगैरह रहा करते थे, ठीक है ना? कुछ ये केव्स किसने बनवाई, राजाओं और रानियों के ऑर्डर्स पे बनी, मर्चेंट्स के ऑर्डर्स पे बनी, फार्मर्स के ऑर्डर्स पे बनी, ठीक है ना? दीज वर ऑफन लोकेटेड, कहाँ ये स्पेशली होती थी, नियर पासिस, मतलब दर्रों के पास होती थी, थ्रू द वेस्टर्न घाट्स, रोड कनेक्टिंग प्रॉस्परस पोर्ट्स ऑफ ऑन द कोस्ट विद सिटीज इन द डेक्कन रैन थ्रू दीज पासिस, ठीक है ना? मतलब ये कह रहे हैं कि जो रोग्स होती थी, कनेक्टिंग प्रॉस्परस पोल्स ऑन द कोस्ट, जो कि प्रॉस्परस, जो बहुत समृद्ध कोस्ट होते थे, समृद्ध पोर्ट होते थे, जो कि समुद्र के तटों पर, उनको कनेक्ट करती थी विथ सिटीज इन द डेक्कन, ठीक है ना? और ये इन्हीं पासेज, इन्हीं दर्रों के थ्रू क्या करती थी, चलाई जाती थी। अब आगे देख रहे हैं, ट्रेडर्स प्रोबेबली ट्रेडर्स प्रॉबली हाइटेड इन दीज केव्स मोनेस्ट्रीज ड्यूरिंग देयर ट्रैवलर्स, अब जो ट्रेडर्स वगैरह थे वो भी इन केव्स का सहारा लेते थे और जो है कि अपनी ट्रैवलिंग के दौरान यहाँ पे रुकते थे वगैरह थे। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड, बुद्धिज्म ऑल कहाँ और कहाँ फैला, साउथ ईस्ट वर्ल्ड में फैला, श्रीलंका में फैला, म्यांमार में, थाईलैंड में और अदर पार्ट ऑफ साउथ एशिया में फैला, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। हमको पता होगा कि इंडोनेशिया, चाइना और थाईलैंड, श्रीलंका, ये सब इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ, ठीक है। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म
नोन एज ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को क्या बोलते हैं, थेरावाद क्या बोलते हैं। जो मैंने बताया था कि बुद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक हमारा हीन यान था, दूसरा हमारा महायान था। महायान के बारे में अभी हमने पढ़ा। हीन यान को ही क्या बोलते हैं, जो मैंने बताया था आगे लिखा है थेरावे क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं हीन यान को, थेरावे क्या बोलते हैं। और ये जो ओल्डेस्ट फॉर्म थी, ओल्डेस्ट फॉर्म क्यों थी, क्योंकि महायान वाले जो थे वो थोड़ा सा आगे निकल गए, बुद्ध को भगवान मानने लगे, उनकी पूजा उजा मतलब लाइक प्रतिमा वगैरह करने लगे, आइडल बना रहे हैं, ठीक है, उसकी वर्शिप कर रहे हैं। और जो हीनयान थे वो उसी उसी लॉजिक पे चल रहे थे जो उनका था, तो इसी वजह से उनको ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म बोल दिया गया, उनको थेरावे क्या बोलते थे। बहुत ही स्टार पॉइंट है, याद रखना। तो वर वॉज मोर पॉपुलर इन दीज एरिया, किस एरिया में, इस एरिया में। देखो अभी मैंने आगे पढ़ा था जापान, चाइना और कोरिया में क्या मतलब कि क्या स्प्रेड हुआ, कौन सी फॉर्म, महायान स्प्रेड हुई। लेकिन श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और अदर पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया की बात करें तो वहाँ पे क्या, और इंडोनेशिया को मिलाकर के यहाँ पे हीनयान फॉर्म, हीनयान जो है कि फॉर्म बुद्धिज्म की ज़्यादा स्प्रेड हुई। श्रीलंका हमारे नीचे ही, म्यांमार में हमारा पड़ोसी है, थाईलैंड तो बेसिकली चाइना वाला पार्ट किया जाता है, और इंडोनेशिया भी हमारे आसपास ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्प्रेड हुआ, यहाँ पे स्प्रेड हुआ हीनयान फॉर्म, द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। अब पिलग्रिम्स के बारे में पढ़ेंगे। पिलग्रिम्स क्या कहते हैं, देखो पिलग्रिम्स होते क्या हैं। पहली बात तो पिलग्रिम्स उन मैन और वुमेन को कहते हैं जो अपने होली प्लेसेस जाने के लिए जर्नी करते हैं। जैसे आपको वैष्णो देवी जाना है तो आप क्या हुए, पिलग्रिम हुए। आपको मक्का मदीना जाना है, आप क्या हुए, पिलग्रिम हुए। आपको अमृतसर जाना है, स्वर्ण मंदिर में जाना है, तो आप क्या हुए, एक पिलग्रिम हुए। समझ आई। तो अब कौन कौन से पिलग्रिम्स आए, द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट के पिलग्रिम्स। कौन कौन चाइना से आए, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स की बात हो रही है। फायान आया, फायान 1600 ईयर्स अगो, अब सब स्टार चीज़ें हैं। उसके बाद कौन आया, वेन सांग। तो ये सारे जो पिलग्रिम्स हैं वो कब आए, कहाँ से आए, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा एज वेल एज फेमस मॉनेस्ट्रीज। मतलब कि देखो अब वो थे कौन, वो चाइनीज़ बुद्धिस्ट के थे, चाइनीज़ बुद्धिस्ट के पिलग्रिम्स थे, ठीक है। तो कहाँ आके विजिट करेंगे, वो वैदिक धर्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वैदिक टेंपल्स को जो है कि विजिट करेंगे, ऑब्वियसली नॉट यार, वो बुद्धिस्ट के पिलग्रिम्स हैं, तो वो क्या, वो मोनेस्ट्रीज को विजिट करेंगे और बुद्धा की लाइफ की से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। अब हर एक पिलग्रिम ने अपना कुछ जर्नी का पार्ट छोड़ा, कैसे छोड़ा, इन फॉर्म ऑफ राइटिंग्स, दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे इनकाउंटर्ड ऑन देयर ट्रैवल्स। देखो मैंने बताया पहले कि जो मेन इम्पॉर्टेंट आने जाने का, ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम हुआ करता था वो सी रूट हुआ करता था, जो कि बहुत ही डेंजरस है, और आज के टाइम पे भी उतना ही डेंजरस है। पहले और था क्योंकि टेक्निक्स नहीं थी, ठीक है, मौसम कब ख़राब हो रहा है हम नहीं जान पा रहे हैं, दिशा जानने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी, जो भी उन्होंने टफ जर्नी ट्रैवल की, उन्होंने उसके बारे में लिखा, ठीक है ना। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, विच ऑफन टू द कंट्रीज एंड मोनेस्ट्रीज दे विजिटेड एंड द बुक्स दे कैरी बैक विद देम। और वो जो है कि अपने साथ बुक्स वगैरह, यहाँ से इंडिया से बहुत सारी चीज़ें ढोक ढो के ये सारे लोग ले गए, बहुत सारी किताबें ले गए, बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएँ ले गए थे, और एक ही तो आए नहीं थे, दो तीन आए, तो सब ने कुछ ना कुछ ले गए, और सोचो कितना ही यहाँ से ले गए ना, सब अपना ही था। एक कोहिनूर हमसे चला गया, ऐसे बुद्ध की सारी चीज़ें चली गई, तो क्या ही बताएं, हम लोग स्टूपिड ही थे। चलो देखो आगे, देखो वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज़ें, धर्म हर जगह स्प्रेड होना चाहिए, और बुद्ध के जो धर्म था वो किसी स्पेशल गॉड से रिलेटेड नहीं था, डायरेक्टली रिलेटेड था वो साइंस से, डायरेक्टली रिलेटेड था वो ह्यूमन की इनर पीस से, इनर थिंकिंग से, ठीक है ना। चलो हाउ फायान रिटर्न टू चाइना। अब भैया फायान आ तो गए, अब यहाँ पे उनका एक बड़ा ही कह सकते हैं एडवेंचरस पार्ट है उनकी जर्नी का, कि वो कैसे वापस चाइना गए। उन्होंने बंगाल से शुरू किया, बंगाल में शिप वगैरह में बैठे, और उसके बाद क्या, दो ही दिन हुआ होगा मोस्टली उनको ट्रैवल किए, स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया। अब भैया तूफान आ गया तो क्या हुआ कि जो मर्चेंट्स के साथ एक ट्रैवल कर रहे थे ना, तो जो मर्चेंट्स थे इन्होंने जो भी अपने साथ सामान वामान लिए थे वो सारा समुद्र में फेंक दिया,
क्यों समुद्र में फेंक दिया? ताकि जो शिप है वो थोड़ी हल्की हो जाए भैया, डूब ना जाए। लेकिन अब ये फायान ने क्या किया? फायान ने जो इंडिया से जो भर भर के किताबें ले जा रहे थे वो नहीं फेंकी। क्या फेंका? अपना पर्सनल सामान फेंक दिया, लेकिन वो चीज़ें नहीं फेंकी। और वापस उसको जब चाइना ले गए, फिर वहाँ पे उसको चाइनीज़ में उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया। सोचो कितना पैशनेट पर्सन हुआ करते थे ये, है ना? बिना पैशन के कोई इतना डेंजरस काम नहीं कर सकता। तो यही उनका मतलब कि जर्नी का था, कि बेसिकली ये कहानी इसलिए बताई गई है कि हमको पता चले कि वो जो ट्रैवलर्स आ रहे थे कोई मौज मस्ती में नहीं आ रहे थे, बहुत ही एक डेंजरस रूट जो है कि ट्रैवल करके आ रहे थे, समझ आइए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था अपने साथ सामान ले जाने और आने में। ठीक है, अब हेन सांग की बात करेंगे। हेन सांग के बारे में क्या है? हु टुक द लैंड रूट बैक टू द चाइना। वो भी अब कोई आया है, वो भी वापस जाएगा। उन्होंने वो लैंड रूप से गए, जैसे कि हमारे फायान जी थे वो सी रूप से गए, अपनी लहरों से स्टॉर्म से होते हुए गए। और ये हेन सांग किससे गए? ये गए लैंड रूप से ही गए, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया? ही कैरिंग बैक विथ हिम स्टैचूज ऑफ बुद्धा, बुद्धा के स्टैचू लेके गए जो कि गोल्ड और सिल्वर और सैंकल बुक से बने हुए थे। भाई कितनी गलत बात है। और 600 मैन्यूस्क्रिप्ट, 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स लोडेड ऑन द बैक्स ऑफ 20 हॉर्सेज, 20 घोड़ों पे 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स पांडुलिपियाँ ये ले गए थे। ओवर 50 मैन्यूस्क्रिप्ट जो है कि रास्ते में ही जो है कि लॉस्ट वॉस्ट हो गई, और जो है कि उसके बाद उन्होंने स्पेंड द रेस्ट ऑफ लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम संस्कृत टू चाइनीज, चाइनीज़ टू संस्कृत। उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी लगा दी बाकियों को ट्रांसलेट करने की। देखो यार कितना ज़्यादा लेके गए थे ये भैया। अब नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी आप सबने सुनी होगी, बहुत ही यूनिक सेंटर था किसका? बुद्धिस्ट की लर्निंग का। जो वेन सांग है वो जो है कि अदर पिलग्रिम्स जो भी आते थे ना, जो भी पिलग्रिम्स आते थे वो नालंदा जाते थे। नालंदा कहाँ है? बिहार में। क्यों जाते थे भाई? स्टडी करने के लिए जाते थे। ये जो है कि हमारे आपके जैसे नहीं ना कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किस लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं? मौज मस्ती के लिए। भाई ये लोग ट्रैवलिंग भी लर्निंग के लिए किया करते थे, समझ आई? ठीक है ना। तो द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज ऑफ द पीरियड, दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब। मतलब कि ये जो नालंदा था वो मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी उस समय की। और किस तरह वेन सांग इसको डिस्क्राइब करते हैं, कहते हैं कि यहाँ के जो पर्सन थे, जो मतलब जो टीचर्स थे, बहुत ही लर्नड थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई एबिलिटी के टीचर्स थे, टैलेंटेड थे, और वो बुद्धा की टीचिंग्स को सिंसियरली फॉलो किया करते थे। और जो मोनेस्ट्रीज के रूल्स होते हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट होते थे और सबको उनको फॉलो करना पड़ता था। और वहाँ पर जो है कि दिन भर वहाँ पर डिस्कशंस हुआ करते थे, और ओल्ड पर्सन यंग पर्सन सब एक दूसरे की हेल्प करते थे चीज़ों को, डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। और जो लर्नड पीपल थे, लर्निंग पीपल अलग अलग सिटीज से आते थे यहाँ पे अपने डाउट्स को पूछने के लिए, क्लियर करने के लिए। इसके अलावा जो है कि सबसे मज़ेदार बात यह है कि यहाँ का जो गेट कीपर होता था ना, गेट कीपर समझ रहे हैं ना, तो आप जब एंट्री लोगे यूनिवर्सिटी में तो गेट कीपर आपको मिलेगा, और वो गेट कीपर भी आपसे क्वेश्चन पूछता था। और जब आप क्वेश्चन का आंसर दे लोगे तभी आपको वहाँ पे एंट्रेंस मिलता था, एंट्री मिलती थी। दिस वाज अ वेरी फेमस स्टोरी, फेमस कह सकते हैं कि एक नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में एक फेमस वाक्य है जो कहा जाता था कि वहाँ का जो गेट कीपर होता था भाई वो भी आपसे प्रश्न पूछेगा, जब आप प्रश्न के जवाब दे देंगे तभी आपको एंट्री मिलती थी। और 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर। ओके, समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे द बिगनिंग ऑफ भक्ति, भक्ति की शुरुआत कैसे हुई, वॉट इज़ द मीन ऑफ भक्ति, हाँ आगे बताएंगे। चलो सबसे पहले देखो क्या है, दिस वॉज ऑल्सो द टाइम। अब पोस्ट मॉडर्न ईयर में कितनी चीज़ें हो गई भाई, ट्रेडिंग वगैरह हो गई, सिल्क रूट वगैरह हो गया, सिल्क विल्क आने लगा। इसके अलावा क्या हुआ, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह के बारे में हमने देखा, हीनयान महायान हो गया, कनिष्क हो गए, सातवाहन हो गए, कितनी सारी चीज़ें होंगी। अब इसी के कंटेम्प्रेरी भक्ति भी डेवलप हो रही थी। तो दिस वॉज ऑल्सो द टाइम जब वर्शिप ऑफ सर्टेन डिकीज, कुछ मूर्तियों, डिकीज मूर्तियों, आइडल प्रतिमाओं की पूजा होना शुरू हुआ, विच बिकेम अ सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म, ठीक है, जो बाद में हिंदुइज्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, ठीक है ना। दीज डिकीज, कौन कौन सी डिकीज, कौन कौन सी प्रतिमाओं की पूजा होती थी? शिवा, शिव की, विष्णु की और दुर्गा, ठीक है ना। इसके अलावा देखते हैं दीज डिकीज वो वर्शिप के थ्रू भक्ति एंड आइडिया दैट बिकेम वेरी 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 पॉपुलर एट दिस टाइम। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन डिवोशन, भक्ति क्या है, एक पर्सन का डिवोशन है, समर्पण है टू उसकी डिकी, उसकी ईश्वर के प्रति, ठीक है ना। एनी बडी, कोई रिच है, कोई बिलोंग, कोई किसी भी
किसके किसको बिलोंग कर रहा है, लो कास्ट है, कैसा भी है, वो भक्ति को अपना सकता है। मतलब ये स्टार पॉइंट है कि भक्ति क्या स्पेशल पर्सन के लिए थी, किसी स्पेशल कास्ट, स्पेशल स्टेटस वालों के लिए थी, तो ऐसा नहीं था। एवरीबडी कैन फॉलो इट। ओके, आगे देखते हैं द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट। अब भगवद गीता की बात हो रही है कि भगवद गीता में भक्ति के बारे में क्या बताया गया है, उसका एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। आप सबने देखी होगी महाभारत वगैरह, है ना, द स्क्योर्ड बुक ऑफ द हिंदूज, हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है, जिसमें कि विच इज़ इंक्लूडेड इन महाभारत। इसमें कृष्ण जो हैं, वो भगवान हैं, वो कहते हैं अर्जुन से, कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो, मेरे फ्रेंड हो, तुम मुझे अपने टू अबेंडन ऑल धर्मास, सारे धर्मों को त्याग दो, छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। एज ओनली ही कैन सेट अर्जुन फ्री फ्रॉम एवरी एवल, मतलब तुम सब चीज़ का त्याग करो और मेरी शरण में आओ। आई एम दी ओनली पर्सन जो तुम्हें तुम्हारी नैया पार लगा सकता है, जो तुम्हें तुम्हारे सारे दुर्गुणों से बचा सकता है, तुम्हारे सारे जो है कि पापों से मुक्ति दिला सकता है। तो कृष्ण इस बात को मतलब कि कहते हैं, तो ये एक पार्ट है गीता का। आगे देखते हैं दोस्त हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ भक्ति। अब जैसे कि यहाँ पे ये देखिए विष्णु जी की प्रतिमा है, ठीक है ना, ये हमें कहाँ से मिली है, देखो ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया, विष्णु एज वराह, वराह के रूप में कहाँ से मिली है, कोई प्लेस है मध्य प्रदेश, वहाँ से हमको मिली है ये, ठीक है ना। तो जस्ट मैंने क्या, एक मिनट, अभी मैं बताती हूँ ये क्या है। आप ये देखिए इसका मुंह है, ये इस प्रतिमा का मुंह है बेसिकली, ठीक है ना। और ये क्या है, एक ये स्त्री लेगी है। अब ये विष्णु जी हैं वराह के रूप में, ठीक है ना, और इनको ये क्या कर रहे हैं, ये इस लेडी को उठाए हुए हैं, बचाएं, सेव कर रहे हैं डूबने से। और ये लेडी किस चीज़ का वो है, अर्थ का है, पृथ्वी। तो पृथ्वी को एज अ लेडी दिखाया गया है, विष्णु जी को एज अ वराह दिखाया गया है, उसमें बताया गया है कि कैसे वो पृथ्वी को सेव कर रहे हैं, इस प्रतिमा से हमको पता चलता है, जो कि हमें मध्य प्रदेश से मिली है। तो आगे हम क्या कह रहे थे, कहाँ थे हम लोग, हाँ, दोज हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ भक्ति एम्फेसाइज डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ अ गॉड और गॉडेसेस रादर देन द परफॉर्मेंस ऑफ एलाबोरेट सेक्रीफाइस। मतलब ये जो पहले सेक्रीफाइस वगैरह चलते थे ना, तो अब जब से एक डिग्री वाला सिस्टम आ गया ना, तो उन्होंने, तो लोग क्या करते थे, अपना एक आराध्य चुन लेते थे, ठीक है, जैसे कि होता है ना कि मैं शिव भक्त हूँ, मैं कृष्ण भक्त हूँ, है ना, तो अपना एक आराध्य चुनते थे और पूरा अपने आप को पूरा समर्पित कर देते थे अपने आराध्य के प्रति, ठीक है ना। और फिर कहते थे कि जिस भी आप आराध्य की अपने पूरे दिल से पूजा कर रहे हैं, पूजा करना मतलब ये नहीं कि ये मतलब कि हज़ार तरह के ढकोसले करना, पूजा करना मतलब कंप्लीटली समर्पित कर देना खुद को उस ईश्वर के प्रति, उस ईश्वर के सद्गुणों का खुद में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करना कि उनकी लाइफ को कैसे फॉलो किया जाए। तो जो खुद को कम्प्लीटली डिवोट कर देता था, तो जो उनके ईश्वर होते थे वो उनके फॉर्म में प्रेजेंट होते थे। मतलब जैसे मैं इंसान हूँ, तो मैं किसी ईश्वर की प्रार्थना करूँगी, तो मैं भी तो उसको इंसान रूप में इमेजिन करूँगी ना। अब कोई जीव है, कोई चींटी है, तो चींटी किसी की, मान लो चींटी किसी की आराधना करेगी, तो वो क्या इंसान रूप में देखेगी, नहीं, वो भी चींटी के रूप में देखेगी। तो जो इंसान जिस फॉर्म में है, मैं जिस फॉर्म में हूँ, मैं अपने ईश्वर को भी तो उसी फॉर्म में जो है कि देखना चाहती हूँ, मैं उस ईश्वर को उसी फॉर्म में तो इमेजिन करती हूँ ना, मैं ईश्वर को किसी और फॉर्म में तो इमेजिन नहीं करती। तो मतलब कि अगर मैं किसी की मैं किसी आइडल की पूजा कर रही हूँ, खुद को उसके लिए डिवोट कर दे रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ, तो मुझे क्या रहेगा कि हाँ, एक दिन वो मुझे दर्शन देंगे, मुझे मेरे से आके मिलेंगे, एक दिन मुझे मेरे सामने प्रकट होंगे। किस रूप में प्रकट होंगे, ऑब्वियसली एक मानव रूप में ही प्रकट होंगे, क्योंकि मैं भी एक मानव हूँ, मैं भी एक ह्यूमन हूँ। तो मैं जिस फॉर्म में हूँ, मैं अपने ईश्वर को भी उसी फॉर्म में इमेजिन करती, समझ आई। तो यहाँ पे यही बात थी और कोई बात नहीं है, ठीक है। वो उसको पूजा करते हैं, समर्पित हो जाते हैं, फिर कि इन रिटर्न वो एक ना एक दिन वो ईश्वर उनके सामने अवश्य प्रकट होंगे। सो द डिके कुड बी थॉट एज अ ह्यूमन बीइंग लायन, मतलब वो कुछ भी हो सकती है, वो प्रतिमा लॉयन ट्री एनी अदर फॉर्म, कोई भी फॉर्म में हो सकती है। वंस दिस आइडिया गेन्ड एक्सेप्टेंस आर्टिस्ट में, कि जब मतलब कि ये सारी चीज़ें होने लगी, हम भाई लोग पूजा वूजा कर रहे हैं, तो आर्टिस्ट ने बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत प्रतिमाएँ बनाई। इसके अलावा यहाँ पे भक्ति के बारे में बताया गया है, तो भक्ति शब्द संस्कृत के भज शब्द से निकला है। भज शब्द का मतलब होता है डिवाइड, बांटना या फिर शेयर करना। तो इसका क्या मतलब है कि एक इंटीमेट रिलेशनशिप शेयर कर रहा है, मतलब भक्त का अपने ईश्वर के साथ जो इंटीमेट रिलेशनशिप वो शेयर करता है, उसी को भक्ति कहते हैं। इसी के साथ एक नया शब्द आता है भागवत। भागवत मतलब भागवत को मतलब गॉड ईश्वरी बोलते हैं, इसके अलावा भागवत को वो भी बोलते हैं ऐसा पर्सन, वन हु पजेस, जो कि पजेस करता है, क्या रखता है, शेयर्स, भागा, भाग रखता है। क्या भाग है वो, गुड फॉर्च्यून, अच्छा
अच्छा फॉर्च्यून या फिर ब्लिस, मतलब जो भागवत किसे कह रहे हैं, वन हु पजेस, जो रख रहा है क्या भाग, किसका भाग रख रहा है, मतलब जिसके पास अच्छा फॉर्च्यून है, ब्लिस है, ठीक है ना। इसके अलावा फिर क्या कह रहे हैं, डिवोकी नोन एज द भक्त, जो डिवोकी होता है उसको भक्त कहते हैं या फिर भागवत कहते हैं, वो शेयर्स हिज और हर चूजन डिकीज भाग, वो मतलब कि जो भी उसने अपने डिकी को सेलेक्ट किया है, जिस भी ईश्वर को अपने सेलेक्ट किया है, उस ईश्वर का भाग शेयर करता है, ठीक है, मतलब उसका आशीर्वाद, उसका फॉर्च्यून, समझ आई। आगे देखते हैं पोएम बाय अ भक्त, मतलब कि संगम लिटरेचर हमें बस यही, इसमें देखो जो भी चीज़ें हमको पता चली हैं वो सारी चीज़ें ही इसमें संगम लिटरेचर से लिखी गई हैं। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, बस इतना ही बता रहे हैं कि जो भी भक्ति है वो किसी एक स्पेशल स्टेटस का नहीं था, वो सभी लोग परफॉर्म कर सकते थे। तो एक भक्त है जो कि अपार नाम है उसका, शिवा का डिवोटी है, जो कि वेल्लालर हुआ करता था। वेल्लालर कौन होते थे, जरा राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, प्रीवियस चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है ना। तो उसकी उसने ये पोएट्री लिखी है, बस इसका हमें पोएट्री नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में, बस यही पूछेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कि यही है कि समाज में हर एक वर्ग जो है कि ईश्वर की आराधना कर सकता था। अब देखो क्या है कि डिटीज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, मूर्तियाँ वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, अब उनको कहीं नहीं रख देंगे ना, लोग उनकी आराधना कर रहे हैं, उनके लिए समर्पित हैं, कुछ भावनाएं हैं, तो उसको एक स्पेशल घर में रखा जाता था जिसको टेम्पल्स बोला गया, मंदिर बोला गया, ठीक है ना। तो मतलब भक्ति को जो है कि प्रकट करने का जो है कि क्या रीज़न था, एक्सप्रेस करने का क्या रीज़न, कहने सॉरी क्या वे था, तो स्कल्पचर, पोएट्री एंड आर्किटेक्चर, इस चार पॉइंट है, तीन इंपॉर्टेंट वे थे। हिंदू, हिंदू शब्द कहाँ से गराइव हुआ, द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज गराइव फ्रॉम द रिवर इंगस, रिवर इंगस से गराइव हुआ, ये रिवर इंगस है। अब देखो इट वॉज यूज बाई अरब एंड ईरानियंस, अरब और ईरानियंस ने, टू रिफर टू द पीपल हु लिव्ड, मतलब ये हिंदू और इंडिया शब्द उन लोगों को रेफर किया, उन लोगों को कहा गया, किसने, अरब और ईरानियन से, जो कि इंडस रिवर के ईस्ट में रहा करते थे। तो इंडस रिवर के ईस्ट में कौन रह रहे हैं, इंडिया हम लोग रह रहे हैं ना, तो इन्हीं लोगों को रेफर किया हिंदू और इंडिया शब्द क्या करके, समझ आई। तो यही हमारा जो चैप्टर था, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो लाइक वाइक कर देना यार, मैं तो बीच में भूल जाती हूँ, क्या ना, तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो और शेयर द वीडियो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।